हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स एंड पे। आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट टू फिफ्थ पार्ट। ये क्वेश्चन जो है आपका, ये एक्सरसाइज 5.2 और एक्सरसाइज 5.3 को मिला के बनाए गए हैं। इन क्वेश्चंस को मतलब इसमें दोनों के ही फॉर्मूलेज अप्लाई होंगे और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपको क्या गिवन है और आपको क्या निकालना है। अगर आपको क्वेश्चन को देख के ये समझ आ गया तो आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें हमें ए गिवन है, यानी कि फर्स्ट टर्म गिवन है, डी गिवन है कॉमन डिफरेंस, और ए एन गिवन है 50। मतलब इसकी एन टर्म्स जो हैं वो 50 हैं। ए एन मतलब लास्ट टर्म जो है, एनथ टर्म, वो 50 है। तो हमें निकालना क्या है, एन निकालना है और उन एन टर्म्स का सम निकालना है। तो देखिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमें एन चाहिए, क्योंकि एस एन सम का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स जरूर चाहिए होती हैं। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन क्या है, आपकी लास्ट टर्म यानी कि एनथ टर्म, ए है आपकी फर्स्ट टर्म, प्लस एन माइनस वन, और डी है आपका कॉमन डिफरेंस। और 50 माइनस 5 क्या हो गया, 45। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा एन माइनस वन। तभी हो गया 15 इक्वल टू एन माइनस वन, और एन की वैल्यू आ गई आपकी 16। अब अगर आप सम निकालेंगे तो सम का फॉर्मूला लगा दीजिए, एस एन निकालना है, क्योंकि एक तो आपको एन निकालना है और दूसरा एस एन इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एन कितना है, 16 बाई टू, टू ए है 5 प्लस एन है 16 माइनस वन, और डी कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है 3। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8, 5 टू जो 10 प्लस 16 माइनस वन 15 इंटू 3 45, 8 इंटू 55। तो ये इसका सम आ गया इस सीरीज का 440। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है ए इक्वल टू 7, फर्स्ट टर्म गिवन है आपको, यहाँ पर 13th टर्म गिवन है 35, और आपको निकालना क्या क्या है, डी निकालना है और एस 13 निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर ए तो गिवन है 7 और आपको 13th टर्म गिवन है 35। मतलब इसमें ए 13 इक्वल टू 35 का क्या मतलब है कि जो आपको एन गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स वो 13 गिवन है, क्योंकि ये 13th टर्म है 35। तो ये लास्ट टर्म हो गई, लास्ट टर्म कौन सी है 13, तो मतलब जो इसके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है वो 13 है। इसमें ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था। अब आप देखिए ए 13 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए 13 35 गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है आपको 7, एन पता चल गया आपको 13 है, और डी आपको निकालना है। अब 35 माइनस 7 कितना हो गया, 28 इक्वल टू 12 डी, और डी की वैल्यू आ गई आपकी 28 बाई 12, 7 बाई 3। इसके बाद अब आपको बस सम निकालना है 13 टर्म्स का, तो एस 13 हो गया। तो ये फॉर्मूला है हमारा सम का, एन आपको पता है 13 है इंटू टू, ए की वैल्यू 7 है, प्लस एन 13 माइनस 1, और डी हो गया 7 बाई 3। 13 बाई 2, 7 टू 14 प्लस 12 इंटू 7 बाई 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा 4 से, ठीक है। तो ये हो गया 13 बाई 2 प्लस 14 प्लस 28, तो 21 इंटू 13 करना है आपको। मैं इसमें ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ सॉल्यूशन ही है जो आप कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करवा चुकी हूँ। तो ये हो गया 273, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ, अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है जिसमें हमें गिवन है ए 12 इक्वल टू 37, डी गिवन है आपको 3, आपको निकालना है ए और इस सीरीज का सम।
ठीक है। तो यहाँ पर भी वही सेम कॉन्सेप्ट है कि ए ट्वेल्व का क्या मतलब है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं एन है वो ट्वेल्व है। तो ए ट्वेल्व इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ए ट्वेल्व क्या हो गया 37, ए प्लस एन हो गया आपका 12 और डी हो गया 3। 37 इक्वल टू ए प्लस 12 माइनस वन 11 इंटू 3 33। तो ए जो आपकी फर्स्ट टर्म हो गई वो गई 4। अब आपको इसका सम निकालना है तो आप सम का फॉर्मूला लगा दीजिए। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या है आपका यहाँ पर 12, 2 a की वैल्यू है आपकी 4 प्लस एन है आपका 12 माइनस वन और डी है 3, ये गिवन है आपको। तो यहाँ पर हो गया 6, 4 टू ज़ा 8 प्लस 11 इंटू 3, 12 माइनस वन 11 हो गया 33। बस इसके बाद आपको सॉल्व करना है, इसको ऐड करेंगे आप तो 246 आंसर आ गया। अब है इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है इसमें गिवन है हमें ए 3 15, एस 10 125। तो हमें निकालना है डी और ए 10। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, यहाँ देखिए आपको थर्ड टर्म गिवन है मतलब, और आपसे निकालना क्या है 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो हम ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं कर सकते क्योंकि इसमें हमें लास्ट टर्म जो गिवन है वो तो 3 टर्म्स के लिए गिवन है, लेकिन हमें उसके 10 टर्म्स का सम निकालना है। तो आप क्या करेंगे इस केस में, आप अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे। ए 3 आपको 15 गिवन है, ए प्लस एन माइनस वन 3 माइनस वन क्या हो जाएगा 2d। तो ए प्लस 2d आपका 15 आ गया और यहाँ पर 10 टर्म्स का सम भी गिवन है। तो आप एक जो इक्वेशन है वो यहाँ से निकाल लेंगे, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये 10 टर्म्स का सम गिवन है 125, तो यहाँ पर n क्या हो गया 10। तो इसके लिए जो n है वो 3 होगा, इसके लिए n 10 हो जाएगा, 10 माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया 125 इक्वल टू 5, 2a प्लस 9d, और ये 5 से कैंसिल हो गया तो ये 25 आ गया। तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 25, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और d की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए ये 2a है, यहाँ पर a है, तो आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2 टू 4d इक्वल टू 30। ये हो गया 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। अब ये माइनस हो गया तो ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये आया माइनस 5d इक्वल टू 5 और d का क्या आ गया, d की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब a की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए या इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो ये हो गया 15 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू माइनस 1। तो यहाँ माइनस 2 हो गया, इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई आपकी 17। तो यहाँ पर आपको a पता है, d पता है, n पता है, आपको a 10 निकालना है। पहले तो आपको d निकालना था और a 10 निकालना है, तो n भी पता है कि आपको 10th टर्म निकालनी है। तो यहाँ लिखिए a 10 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये टर्म आपको निकालनी है। a आपको पता है 17 है, n आपका 10 हो गया और d हो गया माइनस 1, तो 17 माइनस 9 हो गया 8। ठीक है, ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया। इसमें आपको a 3 गिवन था और s 10 गिवन था, तो इसके लिए अगर 3 गिवन है तो इस वाली इक्वेशन के लिए, इस वाली इक्वेशन के लिए आपके पास जो n की वैल्यू हुई वो 3 हो गई और इसके लिए n की वैल्यू 10 हो गई। तो इन दोनों में फॉर्मूला पुट करके आपने इक्वेशन बनाई a और d की फॉर्म में, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके आपने a और d की वैल्यू निकाली, देन आपने इसकी 10th टर्म निकाली। अब हम आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में गिवन है हमें कॉमन डिफरेंस d जो कि 5 है, सम गिवन है हमें sn इक्वल टू 75।
तो अब हमें इसकी फर्स्ट टर्म निकालनी है a, और हमें a 9 निकालना है। तो यहाँ पर देखिए कि एस एन गिवन है 75, तो आप एस एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये 75 गिवन है, एन 9 है, तो 9 बाई टू टू ए, 9 माइनस वन 8, और डी गिवन है 5। ठीक है, 75 इक्वल टू 9 बाई टू टू ए प्लस 8 फाइव जो 40। अभी यहाँ 2 से डिवाइड होगी तो ये पूरा डिवाइड होगा, तो 2 से 2a भी डिवाइड होगा तो a बच जाएगा, और 40 डिवाइड होगा तो 20 बच जाएगा। आप इसको 75 बाई 9 और ये माइनस 20, ये आपकी a की वैल्यू आएगी, तो a की वैल्यू आपके माइनस में आएगी। आप इसको ऐसे ही एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, और यहाँ से आपकी a की वैल्यू आ गई माइनस 105 बाई 9 माइनस 35 बाई 3, ये आपकी a की वैल्यू आ गई। अब आपको a 9 निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए है माइनस 35 बाई 3 प्लस n है आपका 9 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस d आपको 5 गिवन है। तो यहाँ पर हो गया माइनस 35 बाई 3 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 40। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए आप, माइनस 85 बाई 3, ये आपकी इसकी नाइन्थ टर्म आ गई। माइनस नहीं, ये प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। तो यहाँ पर आपका इसका पार्ट फिफ्थ भी कंप्लीट होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मैंने इसके आपको पांच पार्ट्स करवा दिए हैं और पांच पार्ट्स बचे हुए हैं। आप वो पार्ट्स एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा कि आपसे वो सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और अगर नहीं होते तो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आपने अगर ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास ही लगे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। थैंक यू।